मुंबई में विकास का कार्य रुका है। संजय निरुपम। मुंबई महानगर में श्री गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। मुंबई में जगह जगह सार्वजनिक पंडालों के साथ साथ सभी आम और खास लोगों के घर में श्री गणेश जी का आगमन हो चुका है। फिल्म अभिनेता हो या नेता, सभी लोग अपने घर में श्री गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित कर श्री गणेश जी की सेवा कर रहे हैं। आज हम मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व सांसद संजय निरुपम के घर श्री गणेश दर्शन के लिए पहुँचे तो श्री निरुपम श्री गणेश जी की आरती उतार रहे थे। आरती खत्म होने के बाद श्री निरुपम ने कहा कि सभी मुंबईकर को श्री गणेश अपना आशीर्वाद दें और उनके दुखों को हर लें और मुंबई में विकास का कार्य रुका है और नागरिक इस सरकार से बहुत परेशान हैं। अगले वर्ष 2019 के चुनाव में इस सरकार से मुक्ति मिले और कांग्रेस की सरकार बने जो सभी समाज को साथ लेकर चले और सभी देशवासियों का विकास करे और किसी भी तरह का झगड़ा न हो और हम सभी मिलकर तरक्की करें। मुंबई से हिंदुस्तान की आवाज़ के लिए मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे पूरे परिवार का सौभाग्य है कि पिछले 25 वर्षों से सतत हर साल गणपति जी गणेश चतुर्थी के दिन पधारते हैं और हम लोग 7 दिनों तक उनकी सेवा करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और 7वें दिन विसर्जन करते हैं। तो गणपति जी का आशीर्वाद है कि प्रतिवर्ष हमको सेवा करने का वो मौका देते हैं। जैसे कि जानकारी के मुताबिक आप मुंबई के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो मुंबई वासियों के लिए गणपति के इस अवसर पर कोई संदेश देना चाहते हो? मुंबई वासियों के लिए मैं गणपति के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सभी मुंबईकरों को वो आशीर्वाद दें और सभी मुंबईकर अपने तमाम दुखों से दूर होकर के, उनके तमाम विघ्नों को हर करके गणपति जी उन सबको सुख दें, प्रदान करें सुख। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई में जो डेवलपमेंट का काम रुका पड़ा है, जो उनके डे टू डे जो सवाल हैं, चाहे पानी से जुड़ा प्रश्न हो या गटर से जुड़ा प्रश्न हो, रास्ते से जुड़ा प्रश्न हो, ट्रैफिक से जुड़ा प्रश्न हो, इन प्रश्नों का समाधान मिले, गणपति जी इन सभी मुंबईकरों को इन तकलीफों से निजात दिलाएं। देशवासियों के लिए कोई संदेश? पूरे देश में अगले साल इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का और जो सरकार इस समय देश में है उस सरकार ने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी है, लोग परेशान हैं, हताश हैं। ऐसे में मैं गणपति से प्रार्थना करता हूं कि अगले साल देशवासियों को वर्तमान सरकार से मुक्ति मिले और हमारी सरकार आए जो गोर गरीब लोगों की सेवा करे और सभी लोगों को आगे आने का मौका दे, भाई भाई के बीच झगड़ा ना हो, जाति समाज के बीच भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, विवाद ना हो। कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।